हमारी जीवन गाथा डायरी तो भाभी जी की है। इस डायरी में भाभी जी की जिंदगी के वो अनछुए पहलू कैद हैं जिनके बारे में मैं नावाकिफ हूं। ये तो पढ़नी पड़ेगी। हम भोजा से बहुत प्यार करते थे और भोजा हमको प्यार से लच्छो बुलाता था। भाई आए क्यों हो? बेटा मैं ये बताने आया हूं कि पड़ोसे ने अपनी बॉल तेरे पाले में डाल दी है, उसे भोजा का अभी तक इंतजार। तू भोजा क्यों नहीं बन जाता? मैं भोजा बन सकता हूं? अबे साले भूतनी के, जब तू बीवी के लिए दीपू मस्ताना बन सकता है, राजा राम इलेक्ट्रिशियन बन सकता है, दुनिया भर के गंध खोल सकता है बेडरूम में, तो भाभी जी के लिए क्या तू भोजा नहीं बन सकता है? अबे क्या बोल रहे हैं हम? लच्छो, तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ, तुम्हारा भोजा तुम्हारे पास आ रहा है। I'm on my way. आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। भाभी जी ने हमें तुम कहा? तुम मर्द औरतों को बेवकूफ समझते हो ना? शट अप, एक लफ्ज भी अपने मुंह से मत निकालना। अरे हमसे क्या भूल हुई जो आप खफा हो बैठे? मैं तुम्हारे इरादे भांप चुकी हूँ, तुम मेरा शिकार करना चाहते हो ना? हे भगवान, ये कैसी बातें कर रही है भाभी जी? एक्चुअली मैं तुम्हारे चिरौटे जैसी आंखों के पीछे छुपे हुए वैशी दरिंदे को पहचान गई हूँ। तुम्हारी जो ठोली सी शक्ल है ना, उसके पीछे छुपे हुए शैतान को पहचान गई हूँ। तुम तो बस इस मौके की तलाश में होते हो कि कब मैं अकेले हूँ और कब तुम यहाँ पर आकर मेरा शिकार कर लो। बस भाभी जी बस, आप हमें गोली मार दीजिए, हमारी जान ले लीजिए, लेकिन ऐसा घटिया इल्जाम आप हम पर मत लगाइए भाभी जी, मत लगाइए। अरे आप तो हमारी देवी हैं, देवी, हम आपकी उपासना करते हैं, हम हमेशा आपकी तलाश में रहते, लेकिन आपका शिकार करने के लिए नहीं बल्कि आपके दर्शन करने के लिए, और आज आपने इतना बड़ा इल्जाम हम पर लगा दिया भाभी जी। तिवारी जी प्लीज मेरी बात सुनिए, ये सब मैं आपको सुनाने के लिए नहीं कह रही थी, ये एक्चुअली मैं अपनी ग्रूमिंग क्लासेस के लिए एक नाटक तैयार कर रही थी, वैशी दरिंदा, उसके डायलॉग्स की प्रैक्टिस कर रही थी। आज आपने हमारे दिल को बहुत गहरी ठेस पहुंचाई है भाभी जी। जी प्लीज मत रोइए तिवारी जी, मुझे बहुत गिल्टी महसूस हो रहा है, देखिए अगर आप ऐसे रोएंगे तो मैं भी रोने लग जाऊंगी। तिवारी जी सॉरी। क्यों भाभी जी, कैसी लगी हमारी एक्टिंग? आप एक्टिंग कर रहे थे रोने की? थैंक गॉड, मुझे तो लगा कि आप सच में रो रहे हैं। आपको क्या लगा सिर्फ अच्छी एक्टिंग आप ही कर सकती हैं? क्या तिवारी जी, आपने मुझे बिल्कुल डरा दिया था। अरे डर तो मैं गया था भाभी जी, मुझे लगा कि आप तो हमेशा आइटम गर्ल, मतलब हमेशा नए नए आइटम पेश करती हैं, तो इस बार भी आपने कोई नया आइटम पेश किया होगा। अरे नहीं तिवारी जी, एक्चुअली क्या है, ये जो नाटक है ना, ये मेरे कॉलेज के जमाने का फेवरेट नाटक है, वैशी दरिंदा, और इसमें वो दरिंदे से सताई हुई जो लेडी है ना, उसका रोल मैं प्ले करती थी। ओहो, और वैशी दरिंदे का रोल कौन करता था? उसका रोल ना विभू प्ले करते थे। अरे वाह, क्या खूब, बहुत ही करेक्ट कास्टिंग, बहुत बहुत सूट किया होगा उन पर जी, मतलब बहुत अच्छी एक्टिंग की होगी उन्होंने कैरेक्टर की। हाँ मतलब विभू तो ठीक ही एक्टिंग करता है, लेकिन एक्चुअली मुझे तो लगता है कि इस कैरेक्टर के लिए आप बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ? जी हाँ, आप क्या बढ़िया एक्टिंग करते हैं, आप जो ये रोने की एक्टिंग कर रहे थे, मुझे एक्चुअली लगा कि आप सच में रो रहे हैं। वाह वाह तिवारी जी कमाल है। भाभी जी, ये अपने रोने की एक्टिंग से हमारे भाभी माँ को परेशान करके रख देते हैं। अच्छा
तू तू कहां से आ गया बे? नहीं नहीं, एक मिनट तिवारी जी, बोलने दीजिए लड्डू को। लड्डू क्या करते हैं? भाभी माँ को जब घूमने जाने रहता है या शॉपिंग करने जाने रहती है, ये तो पहले से ही मना कर देते हैं। अच्छा, फिर क्या कहते हैं? और फिर जब भाभी माँ रूठ जाती है तो फौरन रोना शुरू कर देते हैं, और फिर बेचारी भाभी माँ डर जाती है और उल्टा इन्हें ही मनाने लगती है। एक्सक्यूज मी तिवारी जी। भाभी जी, अम्मा जी का फोन आया है। अबे माँ के नाना, मुझे तुम्हारी बदबू से सख्त नफरत है। लेकिन सुना है भाभी जी के बचपन का प्यार तुम्हारी बदबू बड़ी पसंद करता था, इसलिए आज से हम तुम्हें सह लेंगे। नाइस, एक्चुअली वेरी नाइस। मलखान क्या कर रहा है मशीन के साथ? I like it. सक्सेना भाइयो, अब बन गो तुम्हारा टैटू। हाँ, आ देख लो आराम से। I like it. अब भैया सड़ांध सी आ रही। I like it. अब भैया जी, लसन खा के आए क्या तुम? एक चिमाट मारूंगा भी। लसन खा के आए बिलोंडे, ये बता तू कर क्या रहा है? भैया जी, तो ये दिख ना रहा, आज टैटू बना रहा हूं मैं। ये तूने कब से शुरू किया धंधा? अब बस भैया जी, आपके आशीर्वाद से आज से शुरू करूंगा ना। धंधा तेने सही टाइम पे शुरू किया। जिंदगी में तूने सही काम किया है ना लौंडे, तो यही किया तूने बस। मैं तो कहता हूँ विभूति भैया, आप भी बनवा लो लौंडा, बहुत अच्छा टट्टू बनाता है, मजा भी बहुत आता है। आई लाइक इट। टट्टू नहीं, टैटू, टैटू। दिखाइए जरा आपने क्या बनवाया अपने हाथ पे। आई लाइक इट। बिल्कुल कैरेक्टर में है आप। आई लाइक इट। सुन रहे, मेरे गुद्दी बना दो एक टैटू। तू भैया जी, यू तो बता दो क्या बनाना है। सांप बनाना है, मतलब सांप बनाना है। सांप बनाना है? हाँ। कौन सा बनाना है, अजगर या कोबरो? कोबरो, आई मीन कोबरा। आ जाओ यहाँ पे बैठो। अबे वहां का देख रहा, गुद्दी यहाँ पर है। भैया जी वो ध्यान भटक गो थोड़ा। हाँ, चलो अभी लब। हाँ। सुन। हाँ। दर्द नहीं होना चाहिए लेकिन, याद रखियो। चिंता मत ना करो, बिल्कुल पानी की तरह बना दूंगा। हाँ बना। ओए, तो बहुत दर्द हो रहा है यार। नहीं नहीं, मुझे नहीं बनवाना, मैं पेंसिल बना लूंगा यार। मैंने कहा भाभी जी घर पर हैं? आ भरभूति जी। हाँ, कैसे ना? ठीक बा। I mean I'm fine. How are you? Fantastic बा। It's not fantastic, it's fantastic. सही पकड़े हैं। बैठिए ना भाभी जी, please. ठीक है ठीक है, बैठिए बैठिए। ये सेटिंग चेंज करवाई है ना फर्स्ट। एनीवे, मैं क्या कह रहा था भाभी जी आपसे कि यू नो बचपन के दिन भी कमाल के दिन होते थे ना। हाँ, बचपन के दिन बहुत कमाल के थे। ये हमारे लड्डू को भी देखो, कितना मासूम है। लड्डू को खाने आई बीच में आप? हाँ, क्या बोले? एक्चुअली बचपन में मेरी एक दोस्त हुआ करती थी जिसको मैं आज भी मिस करता हूँ। लड्डू के भैया की भी एक दोस्त थी, वो भी उसे बहुत मिस करते हैं। भाभी जी आप जानती हैं उस लड़की का नाम क्या था? का नाम था? भाभी जी उसका नाम था। अरे हमने आपको कुछ खाने के लिए पूछा ही नहीं, हम आपके लिए खाने के लिए लेके आते हैं। हाँ बैठिए। अबे विभूति, यही मौका है भाभी जी के बचपन की यादों की गठरी खोलने का।
अब भाभी जी मैं अपने खाने के लिए अपने साथ में लाया हूँ। अच्छा क्या बात कर रहे हैं? ये देखिए लहसुन। आप लहसुन खा रहे हैं? भाभी जी मैं लहसुन मूंगफली की तरह खाता हूँ। मैं लहसुन दिन रात खाता हूँ, सोते जागते उठते बैठते लहसुन खाता हूँ। लहसुन मेरी जिंदगी है, लहसुन मेरी स्टेबल डाइट है। लगता है भाभी जी ने आपके नल्लेपन से तंग आकर आपको खाना देना बंद कर दिया है, इसलिए दूसरों के घर में घुसकर लहसुन खा रहे हैं। लहसुन खाना मेरा शौक है, मजबूरी नहीं। अरे तो ये घटिया शौक अपने घर में पालिए ना, यहाँ क्यों बदबू फैला रही है? आपको पता है ना हमें लहसुन की बदबू से सख्त नफरत है। लेकिन भाभी जी को इससे प्यार है। हदिया, हमने कब कहा? ये लहसुन का स्माइल हमारे दिमाग में चढ़ जाता है। अभी इज नॉट स्माइल, इट्स स्मेल। सही पकड़े हैं। हमने कहीं पढ़ा है भाई? क्या तुमने कहीं इंटरव्यू दिया था क्या? नहीं, हमने तो किसी पेपर में इंटरवल नहीं दिया। अब भाभी जी इज नॉट इंटरवल, इट्स इंटरव्यू। सही पकड़े हैं। चलिए जाइए, बहुत बदबू फैला चुके, जाइए। अरे जाइए ना। केवड़े से सारा घर धो दो, पूरे घर में लहसुन लहसुन कर दिया है। पता नहीं कहां से इतना घटिया शौक पाला इन्होंने। अब भूल गए का आपको भी लहसुन खाने की आदत थी? अम्मा जी ने मार मार के भगाई है। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? बहू। अरे सासुमा, आप क्या? सासुमा आप, तुम मुझे भूलती जा रही है एकदम। अरे सासुमा, मैंने पहचान तो ली आपकी आवाज। अच्छा, पहचान गई आपको। अरे अगर पहचान जाती तो फिर फोन पे यूं थोड़ी बोलती कि कौन बोल रही हो। सासुमा, इस लैंडलाइन पे नंबर नहीं दिखता ना, इसीलिए नहीं समझ में आया आपका फोन था। लैंडलाइन पे नाम नहीं आता? अरे तो लैंडलाइन पे जो घंटी बजी है उससे ना पहचान सकती थी। सासुमा, सारे फोन की घंटियां एक जैसी होती हैं, आपका फोन आएगा तो अलग तो घंटी बजेगी नहीं। अरे जा बात मत बना दू मुझसे, मैं तेरी सास हूँ। हाँ, और पता है जैसे ही फोन की घंटी बजती थी मेरे जमाने में, मैं तो उसी स्टाइल से पहचान लेती थी कि मेरी प्यारी सासूमा का फोन आया है और एक तू है। क्या करूँ सासूमा, आपकी जैसी बड़ी कलाकार नहीं हूँ ना मैं। अरे मेरे जैसी बड़ी कलाकार तो तू इस जन्म में हो ही ना सकती, चाहे कुछ भी कर ले। नहीं सासूमा, आपकी जैसी बड़ी कलाकार तो मैं किसी जन्म में नहीं बन सकती। ये तो है। अरे छोड़, खजड़ू से बात करवा मेरी। सासूमा खचेड़ू घर पे नहीं है, अगर उनसे आपको बात करनी है तो आपको उनके मोबाइल पे फोन करना पड़ेगा। अरे मोबाइल पे कैसे फोन करूंगी, जब मैंने लैंडलाइन पे फोन करा तो इसी पे बात करूंगी। जा, मेरा बिल बैठ रहा है, जल्दी बुला। अच्छा तो फिर ठीक है, एक दो घंटा होल्ड कर लीजिए, जैसे ही वो घर आएंगे मैं तुरंत आपकी बात करा दूंगी। विभू की मम्मी एक म्यूजियम पीस है। अरे दो तीन घंटा? हाय दैया, कितना बिल आएगा इसे। नया कानपुर जाके ना पर लग गए, पर तो काटूंगी मैं चल के। जेडू देख रहा है तू? हेलो स्वीटी पाय, व्हाट्सअप? व्हाट्सअप क्या विभू, तुम अपनी मम्मी से रोज एक बार बात कर लिया करो, मुझे ये रोज रोज के ताने सुनना बिल्कुल पसंद नहीं। स्वीटी तुम मेरी मम्मी की बातों का बुरा क्यों मानती हो यार, कम ऑन, आखिर वो तुम्हारे हैंडसम चार्मिंग हस्बैंड की इकलौती माँ है यार, कम ऑन। कम ऑन, कम टू मी, कम ऑन, कम, हाथ तो दो ना यार। ये क्या हो गया भैया, मैंने क्या कर दिया? अनु, are you okay? oh god, अनु को उल्टी। thank god, I did it. अनु यार, come on यार, तुम्हें उल्टी आ रही है, वो सूखी सूखी। अनु उम्मीद से हो ना? उम्मीद क्या, बाहर में दूर रहो, बिल्कुल पास मत आना मेरे। क्यों भाई? तुमने लहसुन खाया ना? हाँ लहसुन खाया, कोई बारूद तो नहीं खाया यार, लहसुन ही खाया है। तुम्हें पता है कि मुझे लहसुन से एलर्जी है, उसकी बदबू से मुझे उल्टी आने लगती है। अब तो
तुम दो तीन दिन मेरे पास मत फटकना, दूर रहो। लेकिन दूर रहो, बिल्कुल बिल्कुल दूर रहो मुझसे। यार ये अजीब जबरदस्ती है, मतलब अपने घर में आप लहसुन भी नहीं खा सकते यार, दिस इज नॉट राइट। दुनिया कारी लहसुन हम नहीं खा सकते, अब क्या बुराई है इसमें? हाँ माँ जी, अचार का मसाला बना दिए हैं। हाँ थोड़ा तीखा ही बनाए हैं। ठीक बा। अम्मा जी हम आपको बाद में कॉल करते हैं। हाँ हाय दया, भरभूती जी इका है, आप फटी हुई बनियान काहे पहने हैं? अभी एक्चुअली इसके पीछे एक बहुत लंबी स्टोरी है। I'll tell you क्या है कि हम समझ गए भरभूती जी, हम समझ गए। आप समझ गई? हाँ। अभी जी बताइए ना क्या समझी आप? यही भरभूती जी के आप बेरोजगार है ना, तो बनिया ना ही खरीद सकते हैं। भाभी जी ये बात नहीं है। नहीं हम समझ गए, अब कोई बात ना ही। एक मिनट, अब लड्डू के भैया, लड्डू के भैया क्या है? आइए। क्या हुआ अंगूरी? ये देखिए भरभूती जी फटी हुई बनियान पहने हैं। अरे भभूती जी आप हमसे कह देते, हम आपके सामने बनियानों का अंबार लगा देते, आखिर पड़ोसी हैं, पड़ोसी के किस दिन काम आएंगे हैं? रुक लियो, क्यों कुछ रिजेक्टेड माल पड़ा है, हम तुरंत लेके आते हैं। जल्दी ले आइए। भाभी जी आप नहीं समझ रहे कि भैया गरीबों की मदद करते हैं, ऐसा नहीं है। पहले काहे नहीं बताया आप हमको? मेरी बात ही समझ रही मैं? नहीं हमको कछु नहीं सुनना है, पड़ोसी हमको बता नहीं सकते थे। आइए ये लीजिए। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का हमें इनाम दिया है। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का हमें इनाम दिया। और सुनिए अंगूरी जरा कान बंद करो, अगर कच्चा भी फटा है तो उसका भी कुछ रिजेक्टेड माल पड़ा है, लाए क्या? इका बोले? कुछ नहीं हूँ, थैंक यू बोल रहे हैं। आओ चलो अंदर आओ। कोनो बात नहीं। ये भाभी जी का बौलम पलाम बढ़ते ही जा रहा है, अब उसे भारी पड़ रहा है। अनुदान है। दूर जाओ ना से, बिल्कुल मेरे पास मत आना। मैंने ऐसा क्या कर दिया यार? क्या कर दिया? तुम लहसुन खाए हुए हो, बदबू आ रही है तुम्हारे पास से, जाओ यहाँ से। लेकिन मैं कहाँ जाऊंगा? कहाँ जाओगे मुझे नहीं पता, कहीं भी जाओगे, बस मेरे पास मेरे रूम में नहीं आओगे। मैंने अभी अभी रूम में एयर फ्रेशनर डाला है, तुम बदबू फैला रहे हो। यार मैं लहसुन खा के आऊँ, कोई सड़े कुत्ते को गले लगा के नहीं आया हूँ। सड़े हुए कुत्ते को गले लगा के आते तो मुझे चल जाता, लेकिन लहसुन खाकर तुम ये जो बदबू फैला रहे हो ना, मुझे बिल्कुल नहीं चलेगा। जाओ यहाँ से। मैं आज रोमांटिक मूड में आया था, समझ रहे हो ना, रोमांटिक मूड में आया था आज। तुम्हें तुम्हारी मम्मी की कसम, गेट आउट। ठीक है, अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा। सारे गा पदा नी रा पगरे गा मगरे गा,
सारे गा पगर जानी रे जानी पानी रे मा पाधा पगर मा गरे सारे नी धारे सा ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी महलों में पली बन के जुगन चली महलों में पली बन के जुगन चली मीरा रानी दीवानी कहने लगी ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन वो तो गली 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 हरी गुन गाने लगी ऐसी लागी लगन अब तो तुम भी काफी बड़ी हो गई होगी बिल्कुल मेरे जैसी लेकिन मुझे मालूम है कि तुमने अपने दिल की दीवार पे हमारे बचपन की कुछ यादों की तस्वीरें टांग रखी होंगी बच्चों